और अब खबर सीकर से है, जहां पर पलासिया गांव में एक शादी में एक युवक द्वारा नाचते हुए खुलेआम रिवॉल्वर से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही यहां डीजे पर नाचते समय दो पक्षों में विवाद के क्रॉस मामले भी दादिया थाने में दर्ज करवाए गए हैं। जानकारी के अनुसार पलासिया गांव में एक युवक की शादी थी, जिसमें राजकुमार उर्फ प्रिंस भी अपने दोस्तों के साथ आया था। आरोप है कि उसने डीजे पर नाचते हुए फायरिंग की, जिस पर विवाद हो गया और आपस में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। दादिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पलासिया गांव में एक शादी में एक युवक द्वारा नाचते हुए खुलेआम रिवॉल्वर से फायरिंग करने का ये मामला जो है वो सामने आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डीजे पे नाचते वक्त खुलेआम जो है ये हवा में फायरिंग कर रहा है और डीजे पर नाचते समय दो पक्षों में विवाद भी हो गया और इसको पूरे मामले को दर्ज करवाया गया है और पुलिस जो है अब इस मामले की जांच कर रही है। तो पलासिया गांव में एक युवक की शादी थी, जिसमें राजकुमार उर्फ प्रिंस भी अपने दोस्तों के साथ आया था। आरोप है कि उसने डीजे पर नाचते हुए फायरिंग की, जिस पर विवाद हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, जिस तरीके से ये युवक फायरिंग कर रहा है, दो पक्षों में विवाद भी हो गया, अब क्या अपडेट मिल रहा है आपको? दोनों ही पक्षों की ओर से थाने पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया है। राजकुमार और प्रिंस, जिसने ये फायरिंग की है, उस पर आरोप लगाया कि उसने शादी में अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए फायरिंग की है। तो दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया कि ये शादी समारोह में इनके गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तो कुल मिला के इस पूरे प्रकरण में बात करें तो थाने पे प्रकरण दर्ज है। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है, हालांकि आरोपी है वो भी फरार है। रमेश, यहाँ पे ये भी जानेंगे, जिस तरीके से ये युवक हवा में फायरिंग कर रहा है, यहाँ पर नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ये नियम है कि आप हवा में इस तरीके से फायरिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी देखने की बात यह होगी कि क्या ये लाइसेंस शुदा थी या बिना लाइसेंस शुदा है। रिवॉल्वर है तो कहीं ना कहीं लाइसेंस नहीं तो पाया जा सकता है, क्योंकि रिवॉल्वर का लाइसेंस भी जिले भर में बहुत ही कम जारी किए गए, तो इनके अवैध हथियार भी माना जा रहा है, प्राथमिक तौर पर पुलिस का मानना है। लेकिन युवक फरार है हथियार सहित, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जरूर तेज कर दिए गए। क्या इस युवक के बारे में कुछ पता चल पाया है, जिस तरीके से ये युवक फरार है? बिल्कुल, नाम इसका आइडेंटिफाई हो गया है, पूरा एड्रेस इनका आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस ने उनके घर भी दबिश दी है, लेकिन घटना के बाद से ये अभी फरार चल रहा है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से ये युवक खुलेआम रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा है, इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी जो है वो खड़े हो रहे हैं। युवक की पहचान जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब भी ये युवक जो है वो फरार चल रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस जो है आगे जाँच में जुट गई है।